अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी अच्छे हैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि आज था स्कूल बंद, तो मैं सुबह के सारे काम करके फिर से जाके सो गई थी 8 बजे। और जितनी क्लीनिंग की काम थी जितनी सारी चीज़ कर लिया था। उसके बाद उठी फिर 11 बजे। बच्चे भी मेरे साथ ही सो रहे थे, वो दोनों खेल रहे थे, मैं तो सोई हुई थी। फिर मैं उठी, उसके बाद ब्रश व्रश किया, नहाया, उसके बाद फिर खाना चढ़ाया, फिर चाय पिया। ये दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं क्योंकि आज स्कूल है नहीं, पता नहीं किस कारण से बंद था स्कूल आज, पंजाब बंद तो बन गया। तब में छौक भी लगा लिया, इधर मसाला भून गया, बोले वो अंडे की भुजिया बनानी है। अंडा भी उबाल के छिल गया, रख दिया, छोले समोसे तो बहुत धोबाज दिया। ये सब ऑयली होता ज़्यादा, पहली बार लियो। अब मैं नहीं लूँगी कभी, अब मैं नहीं खाऊँगी कभी। आज ले लिया, तेल बहुत ज़्यादा होता ना। समोसा नहीं है तो देख लेना, पहला दूसरा। मैंने खुद से प्याज काट के डाला, उसने कहाँ डाला प्याज वाज? अभी कौन सा महंगा है प्याज? प्याज काट के डालता हूँ, तुझे नहीं दिया। चार दो लेते हैं तब, चार लेते हैं। अरे हाँ नक्शा, बच्चे तो चले गए ट्यूशन और मैं तो सो गई थी। जैसे ही उठी वैसे ही लग रहा है मेरे आँख में हो रहा है दर्द, लगता है मुझे भी हो रहा है आई फ्लू। मेरे घर में सबको हो गया, बस मैं ही बाकी हूँ। डबल से हो गया, उसके पापा का तो दोबारा हो गया, अब बस मैं बाकी थी। लगता है मुझे भी हो रहा है, आँख में हो रहा है थोड़ा थोड़ा दर्द, थोड़ा थोड़ा लाल भी देखने में लग रहा है, पता नहीं होगा कि क्या। अभी मैं जा रही जल्दी से बर्तन धो के, सोच रही प्याज की कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। जल्दी काम करती हूँ, चलिए मैं काम पे लग जाऊँ। धुल के बर्तन, अब चलिए प्याज भी काट लिया मैंने, मिर्ची भी काट ली है, ये थोड़ा सा बेसन डालने के लिए, चलिए मसाला बनाने प्याज की कचौड़ी के लिए। उसके बाद फिर आटा लगाऊंगी। मसाला रेडी, थोड़ा सा ही बनाया मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया। चलिए बेसन डाल के भी अच्छे से भून दिया, 1 चम्मच बेसन डाला, वो एक ऐसे समोसा, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया थोड़ा सा। अब चलिए आटा लगाने। वो वाला साइकिल को पोछने के लिए मुंह पोछती हूँ मैं। ये देख, साइकिल में कुछ काला काला लगा था ना, तो तेल निकल रहा होगा साइकिल का, तेल निकल रहा होगा ब्लैक ब्लैक। वो देर मिलेगा तो है ना, मैं ही चलाऊंगा। और पता है कब से दोपहर में चलाई थी, मेरे को नहीं पता, मैं दूंगा भी नहीं। अरे तो बन गया, इतना बनाने में ही बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे। इधर दूध गर्म कर लियो, तो लोग दे तो पी लेंगे, फिर मैं एक तरफ चाय बना लूँगी, एक तरफ इसे फ्राई कर लूँगी। गर्मी बहुत है यहाँ पे। एक बार में हुआ नहीं, दोबारा करना पड़ा। एक बार में 5 ही हुआ, एक बार में 3, बस लास्ट ही है। गर्मी इस बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे, खाना कैसे बनाऊँगी? चाय नहीं गया, बच्चे दूध पी के चल गए नीचे खेलें, फिर बुलाती हूँ खाने के लिए, वो दोनों आते ही नहीं है। कचौरी बाप रे, कौन पसीना एक हो गया, सच बोलते पसीना से पूरा कपड़ा फेंक गया। मतलब पसीने की कमाई, कितना मेहनत करना पड़ता किसी चीज़ करने के लिए। दोनों को आवाज़ लगा लगे थक गई, दोनों आ नहीं रहे। जब भूख लगी दौड़ के आएंगे। अभी बुला के लाई हूँ दोनों को, फिर से दोनों में लड़ाई हो गई साइकिल चलाने को लेकर। दोनों को फिर पिटाई लगी, इसे तो नहीं लगी, अक्सा को लगी। ए तकिया लेके आया, उस पर मैं अपना आँख सेक रही इस बर्फ़ से, मेरे आँख में भी हो गया। बाप रे, सही से मैंने निशान लगाया, कहाँ तक पड़ा था, नीचे लगाया है, नीचे की तरफ। आँख भी सेक रही हूँ, बुला के लाना, वो रो रही है सीढ़ी पर बैठ के अक्सर। तो जब भी दोनों नीचे जाता है उसे ही मार लगती है, तुझे नहीं लगती है, उसे ही लगती है मार। तो मेरी गलती है बेचारी। साइकिल के कारण रोजे मार खाती है, पहले नहीं खाती थी। मेरी गलती है, मेरी गलती है। मारती हुआ तो अब आगे नहीं बताऊंगा। तू नहीं मारता? नहीं मारता थोड़ा सा नहीं। तब तो उसे लगता है ना मार। नहीं मार ले रख क्या, अब हो जा लीजिए फिर से रख क्या, मैं फिर सेकूंगी। आह पूरा हो जाना वो। ठंडा ठंडा पानी से सेकने से थोड़ा आराम मिलता है। पका दूँ उसके बाद खाना बनाऊंगी। जिसके उतना मेहनत करके बनाया कचौड़ी प्याज की, खाया भी नहीं दुश्मन ने, उसे कुछ पसंद ही नहीं आता। प्याज पसंद नहीं, आलू पसंद नहीं, कुछ भी पसंद नहीं। सब्जी वाला हमारा जाके लेके आ गए, एक पे करेला, एक पे परवल, भिंडी आधा किलो, और मिर्ची लिया 10 की। और फिर कितना महंगा सब्जी है, 20 का लहसुन कितना सा, अदरक 10 का लिया। पूरा पूरी 100 रुपये की गई थी, 100 रुपये का सामान हो गया, 1 रुपया नहीं बचा। सब्जी छीलते छीलते परवल लेके आई, फिर परवल छिला, आलू छिला, जो मसाला पीसने, सब्जी बनानी और रोटी बनानी, परवल आलू की सब्जी। खाना खाने परवल आलू की सब्जी है, यम्मी यम्मी सी, बहुत अच्छी सब्जी है। और रोटी बनाएगा। खाना बनाने के बाद से फिर से दोबारा से इसमें काम करना पड़ा, जो पहले से करके रखा हुआ था वो तो ठंडा। हाँ तो अभी बना के आई थी ना, तो ठंडा तो हो ही जाएगा। डब्बा में तो रखती हूँ तो खाता नहीं है कोई, डब्बा की रोटी पसंद नहीं है, तो इसे झाँप के रखती हूँ कपड़े से, ऐसा हो जाता है। अच्छा है ना, कितनी महंगी महंगी सब्जी मिलती है। बीस रुपये टमाटर, तो बोला 1 जीरो और लगा दो 200 रुपये किलो टमाटर बता आप दे। पहली बार पता लगा 200 रुपये किलो टमाटर। मैम जब मंडी गए थे पूछा था तो 160 रुपये किलो था, अब 40 रुपये और बढ़ गया। गिरेगा गिरेगा। खा लिया, और जो सुबह के लिए थोड़ा सा काम है वो कर लेती है। थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से बादाम फूलने रखना है, डस्टबिन को रखना है अंदर, क्योंकि बिल्ली ना गिरा देती है, घींच घाच के सारे कचरे को फैला देती है। उसे छापती हूँ, चाहिए सारे काम। फिर फ्रिज में पानी रखना, बर्फ़ जब लगती है सब करना है, सब कर लेती है। कर दिया सब चीज़, कचरा का डब्बा बर्फ़ दिया, फ्रिज में पानी रख दिया, सब चीज़ कर दिया। अब 40 सोने, ये दोनों भी अभी तक जागे ही। मैंने 10:40 हो रहा है, 11 बजे इसके पापा आ जाएंगे। बजाई सोने, आँख में बहुत दर्द हो रहा है। कल मुझे भी तो हो ही गया आँख में, एक आँख में भी हुआ है, अब एक आँख में पता नहीं कब हो जाएगा।